आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा कार्डिगन का डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने ये वर्धमान वाली वूल ली है और ये 10 नंबर की निडल ली है। अगर आप इसको वर्धमान में ओसवाल में बनाना चाहते हैं तो आप 10 नंबर की निडल्स यूज कीजिएगा, और आप इसको 3 प्लाई में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 नंबर की निडल्स यूज कीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पे 15 के मल्टीपल फंदे लेंगे। जैसे पहले 15 फंदे गिनेंगे, फिर से 15 गिनेंगे, फिर से 15 गिनेंगे, लास्ट में हमारे 2 फंदे रहने चाहिए तो हमारा ये डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, जेंट स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, लेडीज कुर्ती में, गर्ल्स टॉप में, किसी में भी डालिए, आप बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है। डिजाइन बनाने से पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर डिजाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए तो डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पे 4 सिलाई बॉर्डर के लिए बनाई है, दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाते हुए 4 सिलाई मैंने कंप्लीट की है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप बैक साइड से बढ़ाइएगा, क्योंकि सीधी तरफ से फर्स्ट रो से हमारा डिजाइन बनना शुरू होगा। ये डिजाइन की फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट फंदा है, एच स्टिच है, इसको स्लिप करेंगे। अब जो ये 2 फंदे हैं इन 2 का एक करेंगे आगे की तरफ से, ऐसे सिलाई डालते हुए सीधा फंदा 2 का 1 बना लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे 1 2, फिर ऐसे जाली डालेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। अब फिर जाली डालेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे 1 और 2। अब जो ये 2 फंदे हैं इन 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, तो पहले इस फंदे को स्लिप करेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। जो ये स्लिप फंदा है इसको इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब ये 2 फंदे फिर से सीधे, अब 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये 2 फंदे हैं, इन फंदों को हमने ट्विस्ट करना है, तो पहले सेकंड फंदे को पीछे की साइड से बुनेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को आगे की तरफ से बुनेंगे सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एच स्टिच को छोड़ के ये यहाँ पे हमारा 15 फंदों का डिजाइन है, तो ये 15 फंदे हमने बुन लिए हैं। इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करना है, 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर 2 फंदे सीधे। बीच में ये जो हम 2 फंदों की केबल डालेंगे और दोनों साइड में 1-1 फंदा उल्टा बनाएंगे, तो इन्हीं 15 फंदों को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, धागा घुमाएंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से जाली डालेंगे और फिर से 2 फंदे सीधे। अब जो ये 2 फंदे हैं इन 2 का 1 करेंगे, तो पहले इस 1 फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और इस फंदे को बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो या तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए फर्स्ट फंदे को, पहले सेकंड को डालिए, फिर इस फर्स्ट फंदे को ऐसे निडल में डालिए और सेकंड को आगे की तरफ डाल लीजिए और इन दोनों फंदों को सीधा बुन लीजिए ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा उल्टा, ये एच स्टिच है, इसको भी उल्टा ही बनाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकंड रो पे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी ये रो बनेगी ऐसे ही पूरे प्रोजेक्ट में बैक साइड से बनती जाएगी। तो ये 2 फंदे हमारे सीधे, जो सीधी तरफ से उल्टे थे यहाँ से सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे, 1
दो, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से ये फंदे बीच के 11 फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10 और 11, धागा पीछे करेंगे। अब फिर ये सीधा फंदा है तो इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये दो फंदे उल्टे नजर आते हैं तो इनको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 11 फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और 11, ये एच टीच है, इसको भी उल्टा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम सेकेंड रो पे सीधी तरफ, अब आ गए थर्ड रो पर। तो ये फर्स्ट फंदा एच टीच है, इसको स्लिप करेंगे, तो यहाँ पे 6 फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच और छः, 6 फंदे बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, एक, दो। अब जो ये 2 फंदे हैं, 2 का 1 करेंगे, तो पहले इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर इस फंदे को बनाएंगे। अब जो स्लिप फंदा है, इसको बुने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब जो ये 2 फंदे हैं, इनको ट्विस्ट करेंगे, तो सेकंड फंदे को बैक लूप से बुनेंगे और फर्स्ट फंदे को आगे की तरफ से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा फिर से उल्टा, धागा पीछे। अब फिर इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, तो 6 फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, जाली डालेंगे, धागा घुमाएंगे और 2 फंदे सीधे, एक, दो। फिर से इन 2 फंदों का 1 करेंगे, तो ये फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और सेकंड को बनाएंगे। अभी फर्स्ट फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर इन 2 फंदों को फिर से ट्विस्ट करेंगे, तो सेकंड फंदे को बैक लूप से बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को आगे की तरफ से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, एच टीच है, इसको भी उल्टा बनाएंगे। ये हमारी थर्ड रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम फोर्थ रो पे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फंदे सीधे दिखाई देते हैं सीधा बुनेंगे, उल्टा दिखाई देते हैं उल्टा बुनेंगे, इसको ऐसे ही, जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको ऐसा ही बना के इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ 5वीं सिलाई में। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट फंदा एच टीच, इसको उतारेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, एक, दो। अब ये 2 फंदे हैं, इनका आगे की तरफ से ऐसे 2 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, एक, दो, फिर जाली डालेंगे ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे, एक, दो। दो फंदे सीधे। अब जो ये 2 फंदे हैं, इनका 2 का 1 करेंगे, तो इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और आगे वाले फंदे को बुन के स्लिप फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये बीच में फंदा एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये केबल है, इसको फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर फर्स्ट फंदे को ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करना है, तो 2 फंदे सीधे, एक, दो, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, जाली डालेंगे ऐसे, धागा घुमाएंगे और फिर से एक फंदा जाली डाल के बनाएंगे 2 फंदे, दो फंदे सीधे, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा,
दो फंदे सीधे। अब ये जो दो फंदे हैं, दो फंदे सीधे, अब जो ये दो फंदे हैं इनका दो का एक करेंगे, तो इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसको पहले बुनेंगे, फिर स्लिप फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तो सेकंड फंदे को बैक लूप से बुनेंगे और फर्स्ट फंदे को आगे की तरफ से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, एच स्टिच इसको भी उल्टा बनाएंगे। तो इनको ऐसे ही रिपीट करेंगे, ये हमारी पांचवी सिलाई है। जैसे एक एच स्टिच, फिर दो सीधे, फिर दो का एक, फिर दो सीधे, फिर जाली डालेंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर दो सीधे, फिर दो का एक, फिर एक उल्टा, फिर ट्विस्ट करेंगे, फिर उल्टा। इन्हीं 15 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। अब आएंगे हम 6 रो पर। तो 6 रो को देखिए फ्रेंड्स, जो फंदा जैसा दिखाई देता है उसको वैसा ही बना के कंप्लीट करें। अब आ गई हम सीधी तरफ 7वीं सिलाई में। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एज इट इज फंदा ऐसे उतारेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर धागा घुमाएंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, अब फिर जो ये दो फंदे हैं इनको ट्विस्ट करेंगे, तो बैक साइड से पहले सेकंड फंदा, फिर फर्स्ट फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, धागा घुमाएंगे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, अब फिर दो फंदे हैं इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तो पहले सेकंड फंदा बुनेंगे, फिर फर्स्ट फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, एच स्टिच फिर उल्टा। ये 7वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे 8वीं सिलाई पर। 8वीं सिलाई को फिर से ऐसे ही बुनेंगे, जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम ये 8-8 सिलाई बनाते जाएंगे तो हमारा ऐसे प्यारा सा डिजाइन बन के आ जाएगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आया है। आप इसको लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, जेंट स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, शॉल में, किसी में भी डालिए, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।